नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इस समय बहस जारी है। मध्य प्रदेश में बात करें तो ये कानून एक हद तक लागू है, खासतौर पर सरकारी नौकरी में। यदि किसी के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यहाँ तक हुआ है मध्य प्रदेश में कि नौकरी के बाद 2005 के बाद जिनके तीसरा बच्चा हुआ है उनकी नौकरी भी गई है, यानी वो जॉब भी गई है। लेकिन ये जो कानून है चुनाव लड़ने पर लागू नहीं है, यानी जिनके दो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जिनके अधिक बच्चे हैं दो से वो नेता बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय ये बहस जारी है और आज हम इन्हीं सवालों को लेकर लोगों के बीच निकले हैं, जनता के बीच निकले हैं और लोगों से बात करेंगे इस संबंध में। एक कानून की बात चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण। आपको क्या लग रहा है, इस तरह का कानून पूरे देश में होना चाहिए? पता ही नहीं ना, जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है यही नहीं पता है ऐसा। तो आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, ऐसे कोई कानून की जानकारी है आपको? नहीं पता। अच्छा, वर्तमान में इस तरह चल रहा है कोई जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है आपको? तो होगी जानकारी, एक कानून की बात चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण, दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, कानून बनेगा। मालूम नहीं, मेरे तो दो ही बच्चे हैं। दो ही बच्चे हैं आपको? अभी मध्य प्रदेश में बात करें तो कानून है कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। अरे तो सर, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, नौकरी कहाँ से मिलेगी? नहीं, अकेले आपकी बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की है, पूरे देश की बात है ये। अरे तो पूरे मध्य प्रदेश में आधे से आधे तो बिगर पढ़े लिखे लोग हैं ना। अच्छा, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, अनपढ़ भी तो है ना। अच्छा, फिर भी आप ये बताइए कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी, यदि ज़्यादा दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो नेता बन सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? ये तो सरकारी बतला सकती है, मैं क्या बतलाऊँगा। ठीक है, ये नियम ठीक है? हाँ सही है नियम। ये नियम ठीक है कि नौकरी नहीं मिल सकती लेकिन नेता बन सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो? नहीं सर, जब लागू होगा उसके बाद अगर किसी नेता के भी दो बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी लागू होता है। मध्य प्रदेश वर्तमान में कानून है, दो से अधिक बच्चे होने पर नौकरी नहीं है लेकिन चुनाव लड़ सकते हो? नहीं, जो अभी जो कानून आया है केंद्र जो लाएगा। नहीं नहीं, अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो कानून है, अब तो नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, आपके यदि दो बच्चे हैं तो आप नौकरी नहीं मिल सकते? लागू नहीं है अभी सर। है वर्तमान में? है, मतलब ऐसे लागू नहीं है कि लागू हो ही गया है, वर्तमान में है। होगा ड्राफ्ट रखा होगा वो एक अलग। नहीं नहीं, वर्तमान 2005 से लागू है, 2001 से लागू है। सर मुझे इस बात की तो कोई जानकारी नहीं है कि लागू है यहाँ पर। जानकारी नहीं आपको? नहीं। देखिए, ये भी आप कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? सर आज ज़्यादा ढेके भी चला गया है ना, वो तो जब कानून सख्ती से लागू होगा तो सभी के लिए लागू होगा, और जिस दिन से लागू होगा उसके नेक्स्ट डे वालों के पीछे वाले जिस किसी के पाँच हैं पहले से तो उनके लिए वो कानून लागू नहीं होता है। ठीक है ना, अब जो कानून आएगा जिस दिन से लागू होगा उस दिन से वो बात होगी। मध्य प्रदेश में कानून है कि आपके यदि दो बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, 2001 से ये कानून लागू है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है? नहीं, ऐसा उनको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब अगर अपन सोचते तो दोनों पक्षों के लिए सोचना चाहिए ना। वो अपन नेतागिरी में अपन ऐसा सोचे कि कुछ नहीं, चलो ठीक है सब चलेगा, अब यहाँ पे मतलब भ्रष्टाचार भी नहीं मिटने में आ रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर करो तो बैलेंस करके चलो, सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलो। यहाँ पे अभी रोज़गार भी तो नहीं दे रहे ये लोग, और क्या कर क्या रहे हैं कि और नौकरियाँ छीन रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। अपने कल परसों में न्यूज़ सुनी होगी यहाँ पे कि कोई फांसी लगा के मर रहा है, तो ये ऐसा होना हो क्यों रहा है? ये बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। सामने वाला पत्र लिख के यूँ बोल रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार हमें रोज़गार नहीं दे रही इसलिए हम फांसी लगा के मर रहा हूँ मैं। सही बात, तो ये कहाँ तक सही है? गलत है ना ये चीज़ तो। सरकार को रोज़गार देना चाहिए और नौकरियों के अवसर प्रदान करना चाहिए, ये तो बहुत गलत चीज़ है। आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? नहीं सर, हो चुकी है। हम कर रहे हैं एक, ये जो कानून है मध्य प्रदेश में, दो बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन नौ बच्चे हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिनके नौ बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके दो हैं वो नहीं लड़ सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून है मध्य प्रदेश में, यदि दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपके दो से अधिक बच्चे हैं, नौ बच्चे भी हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हो बकायदा? ऐसा कुछ नहीं, वही बोल रहा हूँ, अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ। जब लागू होगा तो वो नेताओं के ऊपर भी लागू होगा, फिर उसके बाद चुनाव लड़ने की भी कोई सीमा नहीं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आया है। हाँ। उसमें लिखा है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो हाँ। जिस दिन से लागू हुआ उसके बाद अगर किसी के दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है। जो आप पूछ रहे हैं वो शायद मध्य प्रदेश में अभी लागू ही नहीं है चुनाव। मध्य प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2001 से कानून लागू है, और वर्तमान में यदि आपके दो से अधिक बच्चे हैं तो आप सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। भारत में
काफ़ी सारे ऐसे कानून बने पड़े हैं जो कि लागू नहीं है, सिर्फ नारों में चलते हैं। जैसे हम तो हमारे तो इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। अब आएगा, केंद्र लाएगा, तब लागू होगा, ठीक है ना। बाकी हम लोग हमारी स्वेच्छा से हम तो हमारे तो कर रहे हैं, वो हमारी समझदारी है, ठीक है ना। हम अपने ऊपर भी बोझ नहीं बढ़ाना चाहते और देश के ऊपर। नेताओं पर लागू नहीं होता? नहीं, नेताओं पर भी लागू होगा। लागू तो हो चुनाव पहले, अभी लागू कहाँ हुआ है सर? नहीं, लागू होगा तो फिर दोनों पे होना चाहिए। नहीं, क्या लागू होगा तो दोनों पर लागू होना चाहिए। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं कि आखिरकार इस कानून को लेकर लोग क्या सोचते हैं। जो इस समय हम एक स्टेशनरी की दुकान पर हैं, एक जिसने देखा होगा आपने, एक देश में कानून की बात चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। मध्य प्रदेश में बात करें तो एक कानून है कि दो से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। तो बच्चे पैदा करना बंद कर देना चाहिए, सब में काम यही। और क्या, हर एक नेता के बच्चे कितने कितने बताए आपको? किसी के दो हमने तो ये भी निकला है कि कुछ विधायक ऐसे जिनके 9 बच्चे हैं लेकिन वो विधायक का चुनाव लड़ जाते हैं। अभी तो उन्हें भाई हटाना चाहिए ना, उन्हें बिठा दिया चाहिए, उन्हें विधायक के पास से बिठा दो उन्हें तुरंत ही। जब तो पता चलेगा कि इनके पास बच्चे 9 हैं, इन्हें बिठा दिया गया है, दूसरे चुनाव लड़ने से पहले सोचेगा, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये जो मध्य प्रदेश संशोधन होना चाहिए, आप मानते हैं? हाँ, संशोधन होना चाहिए ना, मानते हैं भैया इस बात को। आपका क्या मानना है कि कानून जो है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन नेतागिरी के लिए नहीं है? कानून ऐसा पास होना चाहिए, जो भी नेता है वो शिक्षित होना चाहिए। और मान लो शिक्षा मंत्री को, मान लो उसके ग्रेजुएशन है कि नहीं कंप्लीट पता नहीं उसे भी, ऐसा तो होना चाहिए। नेता लोगों को भी पढ़े लिखे हो, 2 बच्चे ज़्यादा ना हो, हर एक नेता का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 5 ही पास हुआ, गुंडागर्दी में आए और नेता बन गए। ठीक है, बड़ी बड़ी बात बोली है। हम इस समय देख पा रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता है खास तौर पर, उनसे भी हम जाने का प्रयास करेंगे। आपसे एक बात करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चे की सीमा है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते हैं, लेकिन आपको चुनाव लड़ना है तो उसकी कोई संख्या नहीं है। मध्य प्रदेश में तो ऐसे विधायक हैं जिनके 9 बच्चे हैं। सर मैं कुछ नहीं कहना, नहीं जानते? यस सर, नहीं जानते। कुछ कुछ जानना चाहेंगे इस संबंध में आप? नो सर, मुझे नहीं जानना चाहूँगा। नहीं जानना चाहेंगे। देखिए, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमेशा बात कही जाती है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं कि जो जागरूकता को लेकर कि लोग जानना ही नहीं चाहते, और इसमें से ही एक तस्वीर हमको जाहिर तौर पर यहाँ पर देखने को मिली है। और भी आम लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। एक मिनट आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की कोई सीमा नहीं है, कितने बच्चे हैं चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती? वैसे तो बच्चे कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहे भाई, अगर कम रहेंगे आराम से पढ़ाई होगी, उनका परवरिश तो अच्छी होगी। हाँ, तो इसलिए कम रहे ज़्यादा अच्छा है। ये जो नए कानून की चर्चा चल रही है पूरे देश में लागू होना चाहिए, अच्छा है, होना चाहिए, होना चाहिए, ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात कर लें तो 2 बच्चे पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी 2 बच्चों के बाद, हर जगह, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, नहीं होना चाहिए भाई, अगर नेता लोग नहीं मानेंगे तो पब्लिक क्या मानेगी? ये सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर लागू होना चाहिए 2 बच्चे वाला कानून, सबसे पहले नेताओं के ऊपर लागू होना चाहिए। नेताओं क्या, सभी के ऊपर भाई, पब्लिक तभी तो करेगी जब नेता लोग उसको समर्थन करें किसी चीज़ का, तो ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। देखिए, अब ये हम अभी तक की हम बात करें तो इस कानून को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि मध्य प्रदेश में किस तरह का प्रावधान है, और हम जो है पहुँच रहे हैं ऐसे ही आम लोगों के बीच, एकदम आम, जिनका लिए अपनी रोजी रोटी कमाना ही सबसे अहम है। और उन लोगों की हमने साफ तौर पर जो प्रतिक्रिया जानना चाहिए तो उसमें एक बात निकलकर सामने आई कि बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं, अभी लोगों को जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून है नहीं है, उसके प्रावधान क्या हैं, बारीकियाँ क्या हैं। चलिए, एक और सज्जन मिले हैं, एक बात जानना चाहेंगे, बहुत जनरल सी बात है कि मध्य प्रदेश में जो कानून है, यदि 3रा बच्चा है तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन 3रा बच्चा है तो आप चुनाव लड़ सकते हो, ऐसा क्यों, क्या कहेंगे? नहीं, 3रा बच्चा है तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 3रा बच्चा है तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मिलना चाहिए सरकारी नौकरी, 3रा बच्चा है तो भी मिलना चाहिए उसको तो सरकारी नौकरी। या फिर ये नेताओं पर लागू हो जाए कि 3रा बच्चा है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे?
नेताओं में तो सब लागू है। नेताओं में तो छोटा भी बच्चा है तो चुनाव लड़ सकता है, गरीब आदमी को कहाँ नौकरी मिलती है। ये दोहरी दोहरी व्यवस्था क्यों है? ये तो नेता ही लोग बता सकते हैं दोहरी व्यवस्था क्यों है। आज हम भी हैं प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, लेकिन नहीं है नौकरी। आज 20 साल से प्राइवेट में ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नेता आदमी का बच्चा जरूर चुनाव तीसरी बार लड़ सकता है, चौथी बार लड़ सकता है, ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय। संशोधन होना चाहिए क्या लगता है? संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब नेता का बच्चा 3 साल तीसरा बच्चा चुनाव लड़ सकता है तो गरीब आदमी को भी नौकरी मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। कि जो कानून बनाने की बात है, कानून की बात है, तो ये लागू हो तो हर जगह लागू हो। देखिए एक और ये शॉप है, आपसे एक बार बात करना चाहेंगे। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में बात करें तो ये कानून है, 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो गलत है, 2 से अधिक बच्चे हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। तो इसमें तो नेतृत्व में जो लोग हैं पहले उनको मिसाल पेश करनी चाहिए, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, क्या लग रहा है इसी कारण नहीं है कि जहाँ पर कानून होना चाहिए वहाँ लागू नहीं है? जहाँ पर कानून होना चाहिए वहाँ लागू नहीं है जी, नहीं ये कारण नहीं है। एक्चुअल क्या है, देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अपनी जगह है लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, कानून कई चीज़ों के लिए पहले से भी है लेकिन वो चीज़ें समाज में हैं, अभी समाज अवेयर हो रहा है धीरे धीरे। अब जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, क्या लागू कर दिया जाए? ये तो नेताओं के ऊपर, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जनता की राय में इसको अभी लागू नहीं करना चाहिए। जनता जनता क्या सोचती है कि ये लागू हो तो सभी जगह हो? बनी बात है, लागू हो तो सभी जगह हो। देखिए बनी बात है, लागू हो तो सभी जगह हो, लोग यही कह रहे हैं। एक और सज्जन मौजूद हैं, वर्तमान में बात करें मध्य प्रदेश में एक कानून है, 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब खुद ही बनाते हैं साहब रूल, उनके भली 4 बच्चे हों दूसरों के 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। राजनीति आप क्या करोगे, अभी ये तो सरकार का ही हिसाब किताब है, खुद ही रूल बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। अब राजनीति अब क्या बोलोगे आप, क्या बोल सकते हो आप बताइए? जो सरकार रूल बनाती है वही खुद ही रूल खुद ही तोड़ती है, अब इस चीज़ को क्या बोल सकते? अब जनता की बारी आ रही है, नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो अब क्या ये लागू होना चाहिए, जनता मांग करती है? जनता भी साहब सही नहीं है कुल मिला के, जनता भी ऐसी है जो जहाँ मना करते हैं जो चीज़ फॉलो नहीं करके, अपने देश में फॉलो नहीं करेंगे दूसरे के देश में जाके जरूर फॉलो करेंगे। वो हिंदुस्तान का ऐसे ही हिसाब किताब है, आप क्या करोगे? हिसाब किताब ही गड़बड़ चल रहा है, हिसाब किताब ही पूरा गड़बड़ चल रहा है। जनता को खुद नहीं मालूम किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन एक बेसिक कानून की बात कर रहे हैं कि कानून हो तो सभी के लिए हो, चुनाव में क्यों नेताओं क्यों छूटे इसमें? क्या तो राजनीति का तो मुझे पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है सर। अब मैं उसको आप क्या बताऊँ, जितना नॉलेज था मैंने आपको बता दिया। देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम खासतौर पर ऐसे लोगों के बीच हैं जो बिल्कुल आम लोग हैं, जो राजनीति से दूर तक वास्ता नहीं रखते। और ऐसे ही एक सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए समझा विषय समझते ही दूर हो गए। तो ये हालात हैं मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में हैं, और भी अन्य लोगों से इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है देश में जी, क्या जानकारी है? बहुत अच्छी है, जनसंख्या नियंत्रण रहेगा तो देश का विकास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जनसंख्या विस्फोटक देश के लिए हानिकारक है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो एक कानून है कि 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन चुनाव लड़ सकते हो? हाँ, चुनाव के लिए नहीं, हर एक चीज़ में लागू होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण से देश का विकास हो सकता है, चाहे कानून हो, कोई भी क्षेत्र में जाइए आपका। तो नेताओं पर लागू क्यों नहीं हो रहा? नहीं, नेताओं पर भी लागू होना चाहिए, चाहे MP हो या UP हो या कोई भी स्टेट हो, हर जगह यही कानून लागू होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको लगता है कि अब संशोधन कर दें मध्य प्रदेश में? संशोधन मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल इंडिया में होना चाहिए।
ऑल इंडिया में होना, ऑल इंडिया में होना चाहिए। अच्छा, आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, अभी जनसंख्या की स्थिति क्या है अंदर? जनसंख्या की स्थिति तो फिलहाल सही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यूपी और अन्य स्टेट से तो यहाँ का फिलहाल सही है। फिलहाल ठीक है, फिलहाल ठीक है। और आपकी बस में ठीक है अभी सवारी वगैरह? सवारी वगैरह तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कह रहे हैं आप तो? जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल हो गया है, कोरोना काल से जनसंख्या नियंत्रण हो गया है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बस परिचालक है वो भी ये मानते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इस तरह का कानून होना चाहिए, और इसके साथ ही कानून की बात करें तो कानून सबके साथ सब पे लागू हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। बात कानून को लेकर चल रही है, और इस समय हम भोपाल में आप देख पा रहे हैं जो सिटी बस है इसमें कुछ लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, देश में एक बड़ी बहस चल रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये कानून है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप क्या कहना चाहेंगे, यूथ है ना आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जनसंख्या को नियंत्रण तो करना ही चाहिए जी, और बाकी रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स का कोरोना के लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स कोरोना के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए इन लोगों को। यूपी में योगी जी ने कराया, अभी 2 बच्चे होना चाहिए कंपलसरी, मतलब इतना तो होने चाहिए 2 बच्चे तक, 2 बच्चे से ऊपर नहीं होना चाहिए, बाकी का जो रहेगा उन लोगों ने बोला कि 3 बच्चे हो जाते हैं 4 बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, आपको माननी पड़ेगी, कोई भी वो कुछ नहीं देंगे, तो ये चीज़ एमपी में भी लागू होना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। अभी हम मध्य प्रदेश में बात करें तो ये कानून है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी है, और नौकरी के बीच यदि 3रा बच्चा हो गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये सरकार की सर गलती है ना, ये आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, आप सब चीज़ कर रहे हैं, आप 3री लहर भी ला देते हैं, कभी कभी 4थी लहर भी आप भर बोलने लग जाते हैं, इसके लिए आपका कोरोना कहाँ गया? देखिए बिल्कुल सवाल बड़ा है, आप कुछ कहना चाह रहे थे बताएं। तो सवाल का तो मेरा सवाल यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मध्य प्रदेश में है कि 3रे बच्चे पर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी के बीच 3रा बच्चा आ गया तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कितने बच्चे हों चुनाव लड़ सकते हैं आप? ऐसा है कि पहले से है, गवर्नमेंट अपने लिए नीतियाँ ना अपने विरुद्ध नहीं बनाती है, पहले से ये नीतियाँ, सबसे मेन है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि पॉपुलेशन सबसे बड़ा पॉपुलेशन नियंत्रित करने का निरोध है एजुकेशन, आप एवल एजुकेशन दो, लोगों को रोजगार दो, तो कौन चाहेगा? जिसको देखो, अधिकतर पॉपुलेशन होने का कारण क्या है, सबसे पहले तो अंधविश्वास, ठीक है, दूसरा है कि लॉ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन समझ में नहीं आता लोगों की, इनको आने वाले लोगों क्या क्या व्यवस्थाएं दे पाएंगे या क्या क्या सुविधाएं दे पाएंगे, तो आप एजुकेशन दो, रोजगार दो, तो इन सबकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बात गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट ने क्या वो कोरोना के काल में विधायकों के भत्तों को बढ़वा दिए गवर्नमेंट ने, और बोल रहे हैं नियंत्रण का, तो ये तो सब बड़ा सवाल ये कि अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, महापौर नगर पालिका, तो अब ये कानून यहाँ लागू हो जाना चाहिए? ये भी होना चाहिए, लेकिन पहले से आई थिंक है स्थानीय निकायों में पंचायती स्तरों पे है ये सर। ख़त्म कर दिया प्रावधान, ख़त्म कर दिया, पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट अपने खिलाफ तो नहीं लाएगी। नहीं है, जनता की क्या मांगे? जनता की मांगे अगर स्टार्टिंग हो तो आप खुद से कीजिए, निकाय पंचायती निकायों स्थानीय निकायों यहाँ से कर भी सकते हैं, स्थानीय निकायों को होता है ऐसा रेगुलर कर देते हैं, लेकिन विधायक स्तर पर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर कहाँ होता है? आप एग्जांपल के लिए महिलाओं को आरक्षण ले लीजिए, यहाँ पे 50+ है, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, लेकिन लोकसभा विधानसभा में नहीं है। तो आप जागरूक युवा हैं, क्या लग रहा है कि एक नियम है गवर्नमेंट जॉब के लिए है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं है? ये तो गलत है ना, लेकिन चुनाव के लिए भी होना चाहिए फिर तो, और मतलब जॉब के लिए भी क्यों अप्लाई किया है, मतलब जैसे कि मतलब जो हाई लेवल के लोग हैं मतलब मीडियम स्तर पे नहीं आते हैं तो उनका तो क्या, उनका तो एक ही फंडा है कि हम दो हमारे दो, लेकिन जो लो क्वालिटी के लोग हैं नीची मतलब गरीब लोग हैं उनको थोड़ी ना इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं लग रहा कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी भी, तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं उससे कुछ नहीं होगा, बाकी अब उन्हें लागू किया है तो मानना तो पड़ेगा ही सरकार। चुनाव लड़ने पर ये लागू कर दिया जाए फिर देखिए क्या होता है, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है।
ये सरकार के लिए नहीं है ना सर, ये सरकार के लिए नहीं है ना ये चीज़, कोरोना नहीं हो रहा, आप बता रहे हो कि चुनाव लड़ने के लिए आप ये सब बोल रहे हो ना, तो सरकार के लिए क्यों नहीं, आम नागरिक के लिए है ये, आप बताइए ना खुद, आम नागरिक के लिए है ये बस। तो क्या आप, क्या आम नागरिक क्या कह रहा है, लागू हो जाने चाहिए नेताओं के लिए? नहीं सर, हम तो ये कह रहे हैं सबसे पहले आप बेरोजगारी दूर करिए ना, पहले तो आप चुनाव लड़िए, हम मेरी मना नहीं कर रहे कि आप चुनाव मत लड़िए, चुनाव लड़िए आप, बेझिझक लड़िए, कोरोना को देखिए आप, ठीक है कोरोना है तो आप कोरोना को भी देखिए ना, और आप बेरोजगारी दूर करिए, ये गरीबी है, गरीबी चल रही है देश के अंदर, गरीबी को दूर करिए ना अभी अभी। आप क्या लग रहा है कि लागू हो जाना चाहिए? लागू होने चाहिए, अगर स्टार्टिंग इनोवेशन राजनेताओं से होता है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, एक मैसेज भी जाएगा ना पब्लिक के लिए, मैसेज जाएगा। हाँ। अच्छा ये भी हम देख पा रहे हैं कि लोगों को इस कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो क्या चुनाव पे लागू नहीं है इसलिए नहीं है, क्या लग रहा है आपको? अभी बात इफेक्टिवनेस की है, तो आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव जनसंख्या नियंत्रण तो नहीं है, आप यूपी का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, अगर आपको स्टार्टिंग से वहाँ से करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में बचा क्या है, कितने परसेंट सब प्राइवेटलाइजेशन है, थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज और भी कुछ सेक्टर बचे हैं, इसके अलावा आपको मोटिव करना है तो एजुकेशन दीजिए, रोजगार दीजिए, लोग नियंत्रण ऑटोमेटिक रहेगा। देखिए साफ तौर पर हम बात कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में कानून लागू है, बहुत सारे लोगों को इसको जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों से हमने इस कानून को लेकर चर्चा की, जाहिर तौर पर सभी का यही कहना है कि यदि कोई कानून किसी एक विषय को लेकर या सरकारी नौकरी को लेकर लागू किया जाता है तो चुनाव में भी ये कानून लागू किया जाना चाहिए। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।